नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज की इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ज्योग्राफी विषय का बहुत ही भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट हम करेंगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक साबित होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइसोस्टेसी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? कौन सा शब्द? आइसोस्टेसी शब्द यानी कि भूसंतुलन। हिंदी में इसका अर्थ होता है भूसंतुलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी। तो ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के किस भूगर्भवेत्ता ने 1889 ईस्वी में किया था? डटन महोदय ने। कब किया था? 1889 में। और कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? अमेरिका के। पराट की संकल्पनाओं के संदर्भ में सत्य कथन है हिमालय का औसत घनत्व 2.75 मानकर यदि उसके आकर्षण शक्ति की गणना की और यह पाया कि गणना का यह अंतर 15.885 का होना चाहिए था। यह भी सही है। प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होगा, यानी कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। तो ये भी दो नंबर पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल में था, ये भी सही है। तो इस हिसाब से उपरोक्त आपके सभी सही हैं। भूकंप विज्ञान के आधार पर भूसंतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर होम्स ने। किसने किया था भूसंतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन? आर्थर होम्स ने। भूसंचलन के प्रमुख कारण हैं पृथ्वी का आंतरिक तापमान, ये भी सही है। पृथ्वी के भूगर्भ में पिघले हुए पदार्थों का फैलाव एवं सिकुड़न, ये भी सही है। रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय तत्वों का विखंडन, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपके उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। अंतर्जात बल को निम्न में से यह भी कहते हैं, निर्माणकारी शक्तियां, क्योंकि ये नए सतलों का निर्माण करती हैं। महादेशजनक यानी कि एपिरोजेनेटिक संचलन शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। विपरीत या व्युत्क्रम भ्रंश के संदर्भ में सत्य कथन है इसे उत्क्रम या स्थितिज भ्रंश भी कहते हैं, ये भी सही है। इस क्रिया में चट्टान में दरार पड़ने के पश्चात दोनों चट्टानी भाग या दोनों खंड आमने सामने खिसकते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ये भी सही है। इसमें भ्रंश कगार लटकती दीवार यानी हैंगिंग वाल की भांति दिखाई देती है और इन्हें संपीड़न भ्रंश भी कहते हैं, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका उपरोक्त सभी कथन सही है। ब्लोक या भ्रंशोत पर्वत को किस भाषा में होर्स्ट कहते हैं? जर्मन भाषा में। पर्वत को तो क्या कहते हैं? होर्स्ट कहते हैं। और जो घाटी बनती है उसको क्या कहते हैं? ग्राबेन। सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने दरार घाटी या रिफ्ट घाटी शब्द का प्रयोग किया था? ग्रेगरी महोदय ने। किसने किया था दरार घाटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या रिफ्ट घाटी का? ग्रेगरी महोदय ने। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति के लिए दो प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कौन सी परिकल्पना है? तो तनावमूलक परिकल्पना और दूसरी संपीड़नात्मक परिकल्पना। तो इस हिसाब से आपके दोनों ही सही हैं। ग्रीवाखंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नापे के नाम से। और ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? मेजपोस। औसत रूप से तापमान प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर किस दर से कम होता है? 3.6 डिग्री फारेनहाइट और प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री
सेल्सियस, ये फिट में है, फिट में पूछते हैं तो ये आता है 3.6 डिग्री फारेनहाइट, और यदि मीटरों की बात करें तो प्रति हजार मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। धरातलीय प्रतिलोमन के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? तो धरातलीय प्रतिलोमन के लिए आकाश स्वच्छ और बादल रहित होना चाहिए, जाड़े की दीर्घ रात्रि होनी चाहिए कि रातें लंबी होनी चाहिए जाड़े की, और वायुमंडल शांत और शिथिर हो यानी कि हवा नहीं चलनी चाहिए। तो ये किसके लिए आवश्यक हैं? धरातलीय प्रतिलोमन के लिए। स्थिति में क्या होगा कि धरातल के पास तो तापमान अधिक होगा और जो जो ऊपर जाएंगे तापमान, सॉरी धरातल के पास तापमान ज़्यादा होगा प्रतिलोमन की बात करें तो, और ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होना चाहिए, लेकिन ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? अधिक होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः खासकर उच्च अक्षांशों में तापमान तेजी से घटता है। तापमान के इस घटने की दर को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता। क्या कहते हैं इसको? ताप प्रवणता। विषुवत रेखी प्रदेश विषुवत रेखा के किन अक्षांशों के मध्य विस्तृत है? 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। अंतर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में किन अक्षांशों में विस्तृत है? 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये दोनों ही तरफ है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य विस्तृत है? 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? 24 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी कि ये कर्क और मकर रेखा से आगे की ओर 45 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? शीतोष्ण की बात हो रही है तो यहाँ पे 45 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। किस दशक में शताब्दी का सबसे ज़्यादा तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया था? 1920 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिहत मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में जिसे धूल का कटोरा भी कहा जाता है में किस दशक में भीषण सूखा पड़ा था? 1930 में। प्रसिद्ध ऋतु विज्ञानी थार्नवेट का संबंध किस देश से है? अमेरिका से, ये अमेरिका के भूगोलवेता थे। थार्नवेट ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण में किन तत्वों को प्रमुख माना है? वर्षा से प्रभाविता इसको भी प्रमुख माना है, तापीय दक्षता को भी, और वर्षा का मौसमी वितरण, इन तीनों को ही उन्होंने प्रमुख रूप से माना है। वर्षा की प्रभाविकता को सही सही ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र किस विद्वान ने दिया था? और सूत्र क्या है? पी अपॉन ई रेशो 11.5 और सारा का सारा ब्रैकेट में बंद करके आर अपॉन टी माइनस 10 और इसकी घात कितनी? 10/9। तो ये सूत्र किसने दिया था? थार्नवेट महोदय ने, उन्होंने ही विकसित किया था। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण की आलोचना के संबंध में सत्यकथन है? थार्नवेट ने अपना दूसरा वर्गीकरण जलवायु संबंधी तत्वों के आधार पर ही किया है जिसमें भौतिक तत्वों का प्रभाव नहीं बताया गया है, तो ये भी सही है, वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण है, ये भी है सही। और थार्नवेट के विस्तृत वर्गीकरण को याद करने में बहुत कठिनाई होती है, तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ भी सत्य कथन बताना है। 1000 मिलीबार का वायुमंडलीय दबाव एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1.053 किलोग्राम भार है जो तारे के 75 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर है, तो ये भी सही है। वायुमंडलीय दाब के वितरण को समदाब रेखाओं यानी कि आइसोबार के द्वारा दर्शाया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं जिसे दाब प्रवणता कहते हैं और इसे बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपके उपयुक्त सभी कथन
सत्य हैं। किसने सर्वप्रथम 1918 में वाताघर की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? डब्लू कोल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जी डी कोरियोलिस द्वारा कोरियोलिस बल का प्रतिपादन कब किया गया था? 1844 में। वेदर पुस्तक की रचना किसने की? अंबर क्रोमी ने। किसने की थी वेदर पुस्तक की रचना? अंबर क्रोमी ने। सत्यकथन है, चक्रवात के केंद्र में स्थित अत्यंत कम वायुदाब के क्षेत्र को आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है। चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार या वीएक्सर के समान होता है। ये भी सही है। तो इस हिसाब से उपयुक्त दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रकारों में शामिल नहीं है शीत चक्रवात। वातागरीय तरंग, द्रोणी, लहर, पश्चिमी विक्षोभ किस चक्रवात के उपनाम है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के। किनके द्वारा 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति की खोज की गई थी? फिट्ज़रॉय द्वारा। ध्रुवीय वाताघर सिद्धांत बर्जेन सिद्धांत के प्रतिपादक ऋतु विज्ञानी वी ब्रकनिज तथा जे ब्रकनिज संबंधित हैं? नॉर्वे देश से। किस देश के हैं दोनों ही? वी ब्रकनिज और जे ब्रकनिज नॉर्वे से संबंधित हैं। तो उन्होंने ध्रुवीय वाताघर सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सही सम्मिलित युग्म है अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र हरिकेन नामक तूफान आते हैं, पश्चिमी प्रशांत और चीन सागर में टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया के निकटवर्ती सागर में इन्हें विली विली कहा जाता है। तो ये उपरोक्त तो तीनों ही बिल्कुल सही हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित सत्य कथन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों तक के क्षेत्रों में इनका प्राय अभाव होता है। ये भी सही है। चक्रवातों का व्यास 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक होता है। ये भी सही है। ये महाद्वीपों के तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नीचे भी सत्य कथन बताना है। यफ गाइफन ने उच्च वायुदाब वाले केंद्र से बाहर की ओर चारों दिशाओं में चलने वाली अपसारी वायु परिसंचरण के लिए यानी एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग किया था। ये सही है। प्रति चक्रवात के केंद्र उपोष्ण कटिबंधीय महासागर के पूर्वी किनारों पर होते हैं। ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंध के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इस आपके उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रति चक्रवातों का आकार प्राय होता है गोलाकार। कैसा होता है प्रति चक्रवातों का आकार? गोलाकार। प्रति चक्रवात किस चाल से आगे बढ़ते हैं? 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। टॉर्नेडो मुख्यतः किन देशों में उत्पन्न होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो की सर्वाधिक आवृत्ति किन 3 महीनों में होती है? अप्रैल, मई और जून। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।